नमस्कार। फसल सलाह के शो कीट लक्षण नियंत्रण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कपास के फसल के बारे में। जो हमारा कपास का फसल होता है वो खरीफ के सीज़न में उगाए जाने वाला सबसे मुख्य फसल है। यह मुख्य तौर पर पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में उगाया जाता है। अभी भी खरीफ का सीज़न चल रहा है, कपास भी लगा हुआ है हमारे खेतों में, और अब वो स्थिति में आ गया है जब जहाँ से कीट वगैरह लगना हमारे खेतों में शुरू हो जाते हैं। आज हम कपास में लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में बात करेंगे और उनके नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी जो है सबसे ज़्यादा हमारे कपास की फसलों को बर्बाद करती हैं, जिनकी वजह से हमारे जो फसल होते हैं उनकी जो यील्ड होती है कम हो जाती है। तो जो सफ़ेद मक्खी है वो क्या करती हैं, जितनी वायरस वाली बीमारियां, पत्ती सिकुड़न की बीमारी, पौधों का काला पड़ जाना, ख़राब हो जाना, उसके लिए ऐसी चीज़ें हो जाती हैं इन सफ़ेद मक्खियों की वजह से, जिसकी वजह से हमारे जो पौधे होते हैं वो मरने लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इमीडाक्लोप प्रोड्यूस करना है। इमीडाक्लोपलेट 40 ml 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ आप छिड़काव करें, सफ़ेद मक्खी की परेशानी दूर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे गुलाबी सुंडी, जिसे हम गुलाबी इल्ली के नाम से भी जानते हैं। जो हमारी गुलाबी इल्ली होती है वो क्या करती हैं, जो हमारे फूल होते हैं, जब वो फूल बनने लगते हैं ना तो उसी में वो अंडे दे देती हैं। वो धीरे धीरे करके वो बड़े होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा कलियाँ, जो प्रॉपर कलियाँ बनती हैं जिसके अंदर हमारी रुई आने वाली होती हैं, वो ये ख़राब कर देती हैं, खाकर उसमें छेद कर देती हैं, उसमें खाने लगती हैं। उसके नियंत्रण के लिए इसको ज़्यादातर जब फूल बनने लगते हैं उससे पहले ही अगर हम थोड़ा छिड़काव कर दें तो नियंत्रण हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें प्रोफेनोफॉस यूज़ करना है। प्रोफेनोफॉस आप छिड़काव करेंगे, गुलाबी सुंडी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब हम बात करेंगे मिली बग कीट के बारे में। मिली बग कीट झुंड में होती हैं, ये कुछ चिपचिपा पदार्थ छोड़ती हैं। जो चिपचिपा पदार्थ होती हैं उसकी वजह से फंगस आने लगते हैं पौधों के ऊपर। फंगस की वजह से जो हमारा पौधा होता है वो सड़ने लगता है, ख़राब हो जाता है। इसीलिए इसके नियंत्रण के लिए हमें क्विनलफॉस यूज़ करना है। 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर हम छिड़काव करेंगे तो हमारी मिली बग कीट की समस्या दूर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे लाल बग कीट के बारे में। जो लाल बग कीट होता है ये हमारे पौधों में की कलियों में से रस चूसता है, और कभी कभी तो ये भी होता है जो हमारे कलियां होती हैं उसके वो अंदर चला जाता है, उसको उस अंदर खाने लगता है। तो जब हम उसमें से रुई निकालते हैं तो उसमें वो कलर, उसका लाल रंग भी उसके अंदर आ जाता है, या फिर वो उसी में मर जाता है या पिस जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी रुई की क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। इसके बचाव के लिए हम यूज़ करेंगे प्रोफेनोफॉस। इसके लिए भी हमें प्रोफेनोफॉस ही यूज़ करना है। 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर अगर हम छिड़काव करते हैं तो लाल बग कीट की समस्या भी दूर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे, हम आपको कपास से जुड़ी और जानकारियाँ बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहे फसल सलाह ऐप। आपकी फसल में कोई भी समस्या आए आप हमारे फसल सलाह ऐप पे अपने फसल की एक फ़ोटो भेज दें। कपास ही नहीं, कोई सी भी फसल, आपके फसल में कोई भी समस्या आएगी हमारे कृषि विशेषज्ञ आपको तुरंत उसका समाधान बताएंगे। और हर तरह की मौसम की जानकारी के लिए भी देखते रहे फसल सलाह ऐप। धन्यवाद।